हाय, मैं निखिल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन कैसे होता है, माइग्रेन को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सिर के आधे हिस्से में, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, रुक रुक के बहुत ज़्यादा पेन होता है। सिर दर्द और माइग्रेन में बहुत डिफरेंस है। सिर दर्द का एक गंभीर रूप जो तेज़ दर्द होता है एक साइड से, कभी लेफ्ट कभी राइट, और रुक रुक के दर्द होता है, वो माइग्रेन है। माइग्रेन का पेन 2 घंटे से लेकर 3 दिन तक हो सकता है। इसके रीज़न से आप कोई काम भी नहीं कर सकते हो। ये मेल से ज़्यादा फीमेल में ज़्यादा होता है। माइग्रेन होने के कारण क्या है? माइग्रेन होने का सबसे मेन कारण एक ही है, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। ये सबसे मेन कारण है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स आप ले रहे हैं, नींद नहीं आती आपको, सोने की आप दवाई लेते हैं तो उससे माइग्रेन हो सकता है। फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस हो तो माइग्रेन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, पीरियड्स स्टार्ट हुए या पीरियड्स चल रहे हैं उसके दौरान माइग्रेन हो सकता है। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से माइग्रेन आपको बढ़ सकता है। इसके अलावा आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो इससे आपका माइग्रेन बढ़ सकता है। माइग्रेन कैसे होता है? हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल होता है जो हमारे मूड, इमोशन, भावना से प्रभावित होता है। तो अब जब सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें खुशी महसूस होती है, वही इसकी मात्रा घट जाती है तो हमें स्ट्रेस, तनाव, टेंशन ये फील होता है। इससे हमको हेडेक, सर में दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसके रेगुलर रहने से माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है? माइग्रेन का ट्रीटमेंट ये है, जब भी आपको तेज़ दर्द हो माइग्रेन का, तब आप एक शांत एरिया में चले जाएं या एक कमरे में रेस्ट करें, आप एक नींद लें अच्छी सी। नींद लेने से सर का दर्द बहुत कम हो जाता है। पानी का सेवन ज़्यादा करें, आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। कई बार डिहाइड्रेशन होने के कारण भी हेडेक होता है। आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इसके अलावा एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, नेगेटिविटी को दूर रखें। और माइग्रेन का पेशेंट आपके घर में भी कोई है तो उसका स्पेशल ध्यान रखें कि उसको स्ट्रेस फ्री रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग वॉक पे जाएं। अभी कोविड टाइम है तो अपने छत पे वॉक करें, तो आपको वॉक ज़रूर करनी है। अभी आप मोबाइल और टीवी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, पीसी ये यूज़ करें तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ना करें, बीच में आप गैप लें, क्योंकि इससे भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको हेडेक बहुत ज़्यादा है, बढ़ रहा है हेडेक, वीक में करीब 3-4-5 बार हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आप ये सारे टिप्स आप फॉलो करके देखें, आई एम 100% श्योर आपकी माइग्रेन में पहले से फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके अलावा इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।